हेलो, वेलकम टू एग्री एग्जाम पास। मैं राहुल वर्मा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेखपाल भर्ती 5200 पद के बारे में दोस्तों, और आवेदन कब से शुरू होंगे, लेखपाल भर्ती की पूरी प्रक्रिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें, अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा लास्ट तक देखना दोस्तों, ताकि हर एक बात आप लोग के सही सटीक समझ में आ जाए दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अमर उजाला में एक आज न्यूज़ दी गई है, लेखपालों के 5200 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार, और नीचे दिया गया है मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद महीनों तक कुंडली मारे बैठे रहे अफसर। दोस्तों क्या है पूरी खबर, हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लखनऊ प्रदेश सरकार राजस्व विभाग में लेखपाल के रिक्त करीब 5200 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। लंबी प्रतीक्षा के बाद सभी जिलों से रिक्तियों का आरक्षण सहित ब्यौरा राजस्व परिषद को मिल गया है। इसी महीने भर्ती प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने की तैयारी है। राजस्व विभाग के लेखपालों के करीब 5200 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। कई बार यह बात सामने आ चुकी है कि पद रिक्त होने से कार्यरत कर्मियों को अतिरिक्त क्षेत्र का काम करना पड़ता है। इससे सरकार की तय समय सीमा में काम कराने की मुहिम भी प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 2.5 वर्ष में राजस्व परिषद की कई बैठकों व कार्यक्रम में लेखपालों के रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश दिए, मगर बीच में परिषद के अफसरों ने काम को महत्व नहीं दिया और CM का निर्देश महीनों तक फाइलों में कैद पड़ा रहा। कुछ दिन पहले परिषद ने जिलाधिकारियों व मंडलायुक्त को जिलों में रिक्त पदों का ब्यौरा आरक्षण के ब्यौरे के साथ प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि जिलों में रिक्त पदों का ब्यौरा आ गया है, भर्ती प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जल्द ही इसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। पहली बार लेखपालों की भर्ती बिना इंटरव्यू केवल लिखित परीक्षा के जरिए होनी है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ आप को, जो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले जो लेखपाल भर्ती का जो प्रस्ताव के बारे में बात की थी, उसमें क्या कहा गया था बाद में कि जो जिला अधिकारी हैं वो अपने जो हर जिले के मतलब के यूपी के जितने भी जिले हैं, हर जिले के जिला अधिकारी जो एक मतलब ब्यौरा तैयार करके दे कि उस जिले में कितने लेखपालों की कमी है, और जिससे क्या होता था दोस्तों पता ही नहीं चल पाता था कि ज़िले में कितने लेखपालों की कमी है। उसके लिए कार्य दिया गया था और वो कार्य पूरा हो गया है। उसके अलावा जो लेखपाल भर्ती की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो लेखपाल कम थे उन पर ज़्यादा काम पड़ता था, तो ज़रूरत ही है, लेकिन ये जो कर्मचारी हैं ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे, और नहीं तो जो CM का आदेश था अभी तक ये भर्ती की प्रक्रिया काफ़ी आगे तक पहुँच चुकी होती। दोस्तों अब ये प्रक्रिया को अंतिम रूप से जो इसका प्रस्ताव है भेज दिया गया है, और इसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP SSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो इसका एग्ज़ाम कराएगा, और ये जो भर्ती हो केवल इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, केवल लिखित परीक्षा पर ये भर्ती होगी। दोस्तों अगर लिखित परीक्षा पे भर्ती होगी, मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग खुद देख रहे होंगे कि कंपटीशन का ज़माना है और जो इसमें कंपटीशन कितना हाई हो गया है। तो दोस्तों ये अधीनस्थ सेवा जो इसका एग्ज़ाम कराएगा, तो इसका सिलेबस तो आप लोगों को पता ही होगा, मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी, यही सब करेंट अफेयर्स वगैरह। और आप लोगों को ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाकी अगर हम अपने अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जैसे ही आवेदन आएगा तब से मैं डेली आप लोगों को मंथली वाइज करेंट अफेयर्स प्रोवाइड करा दूँगा। उससे पहले ही मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पूरा जो पिछला करेंट अफेयर्स है प्रोवाइड करा।